इस समय हम जौनपुर में और हमारे साथ विधायक गुलाब चंद सरोज जी हमारे साथ हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं, चुनाव को लेकर क्या मामला है इस समय। बाबू जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। भारतीय बाबू जी, क्या स्थिति है चुनाव का इस बार भारतीय जनता पार्टी का? जनता पार्टी के चुनाव बहुत अच्छे हैं और जहाँ तक लोकसभा मछली शहर का चुनाव है तो बहुत अच्छा चुनाव है। कल कार्यक्रम था विधानसभा के आकर में, भितरी में था, चंदमक में था, जराशी में था, सरकी चौराहे पर था, मुफ्तीगंज में था। काफ़ी संख्या में भीड़, उत्साह दिखाई दिया कि जो मोदी जी का है कि 400 पार, तो निश्चित रूप से 400 पार का नारा है, तो ना 400 पार होकर के 2024 में जो है अच्छे संख्या में अच्छे संख्या में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जी, दो यहाँ मुक्तिगंज में कुछ अनुशासन भी सरोज जी दिए हैं ट्रेन रुकवाने के लिए, क्या? मुक्तिगंज में उन्होंने कल बात हुई थी तो ट्रेन ठहराव के लिए और कुछ नाली की समस्या थी, उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बनेगी तो उसको भी पूरा कर देंगे, जबकि सुंदरीकरण के नाम पर 14 करोड़ में मुक्तिगंज का सुंदरीकरण कार्यक्रम कराया था। बाबू जी, आप कौन कौन से बिरादरी के लोग जोड़ रहे हैं आप? और बिरादरी तो सभी बिरादरी हैं, जैसे कि अब लोहार हैं, कुहार हैं, प्रजापति हैं, चौहान हैं, मौरिया हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसंपर्क लोगों से करें, क्या इसका बेनिफिट बीपी सरोज को दिला पाएंगे आप? वो बिल्कुल दिलवा रहे हैं, बस मेहनत से, दिल से लगे हैं, निष्ठा से लगे हैं, नियत साफ करके लगे हैं। मैं तो जिस दल में रहता हूँ बहुत निष्ठा से अपन रहता वो हूँ तो और दिख रहा है बाबू जी, मैं कहा काम भी कर रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता हमसे काफ़ी उम्मीद भी किया है, उनका जब भी जाते हैं बड़े उत्साहित से लोग मिलते हैं, बीपी सरोज की हम वोट मांग रहे हैं, बीपी सरोज को जिताने के लिए कर रहे हैं। अरे तमाम यादों को फोन आया है कि आप जहाँ रहेंगे विधायक जी, मैं वहीं रहूँगा आपके साथ, इसलिए उत्साह दिखाई दे रहा है कि बीपी सरोज बहुत 1 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। और जी, आपका एक अलग छवि है, कहीं ना कहीं हम पूरे जौनपुर में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुत से ऐसे विधायक हैं जो नामांकन में या प्रचार में नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ आपके जफराबाद के जो पूर्व विधायक हैं डॉक्टर साहब, वो कहीं प्रचार में नहीं दिख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जगदीश नारायण राव हुए, रागिनी सोनकर हुए, तमाम लोग किसी अपने बैठे हैं घर पे। बाबू जी, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घूम रहे हैं। नहीं, ये तो हमको नहीं दिखाई दिया कि डॉक्टर साहब जो है कि विधायक जफराबाद हरंगे जी बैठे हैं। अच्छा मैंने कई अच्छा कार्यक्रमों में मैंने उनको देखा, मीटिंगों में देखा, वो चल भी रहे हैं और ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी कभी में मैंने किया उनका हो। फोटो वोटो नहीं देखा बाबू जी, आपका फोटो लगातार हम देखते हैं, ये हमारे कहने का मतलब है। कोई जरूरी नहीं है फोटो का दिखाई दे, नहीं प्रचार कर रहे हैं वो, पार्टी सट के नहीं है, तो इस बार 80 पार हो जाएगा बाबू जी इस बार? 80 पार है, 80 पार है भाई, बड़े अच्छे मतों से लोग वोट दे रहे हैं, 80 पार है। और बाबू जी, आप बताइए कि बनारस में जो स्थिति है इस बार, लोग कहें अजय राय की बहुत अच्छी स्थिति कोई अच्छा है। नहीं है ना, अजय राय कोई स्थिति अच्छी है नहीं, मोदी की वहाँ स्थिति है, वहाँ सब मोदीमय है, पूरे बनारस में या पूरे मछली शहर में सटा हुआ लोकसभा मछली शहर है, पूरा मोदीमय है। अच्छा, जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं बाबू जी, और एक तरफ कृपा शंकर सब सिंह बाहरी जी। हैं यार, का बाबू सिंह कुशवाहा जो है बाधक हैं, बाहरी हैं, उनका कोई वो है, कई सब 1000 करोड़ का जो घोटाला किया है, जो जेल में थे, सजा हुई है, उनका कौन इमेज यहाँ पर है। 500 हजार करोड़, जो भी है घोटाला किया है, वो जेल में गए थे, सजा हुई है, तो उनका कोई यहाँ वजूद है जौनपुर में तो दूसरे? समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देते हैं, विमानों को, चोरों को टिकट नहीं देते हैं, तो तो बाबू दिखाई सिंह दे रहा कुशवाहा है तो ना, वही हैं। तो दिखाई दे रहा है ना बाबू सिंह कुशवाहा क्या है, तो वहां पे चुनाव का क्या स्थिति रहेगा बाबू जी वहां पे? वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं, कृपा शंकर सिंह बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। दोनों सीट आप जौनपुर में जीत हाँ रहे हैं इस दोनों से बार, जीत रहे हैं, दोनों ने पूरा 80 सीट जीत रहे हैं। 80 का 80 सीट आप जीत रहे हैं इस बार। 80 80 सीट जीत रहे हैं।